एक काम कर, हवा खा गया। Get out! तेरे को जाने को बोला, कोई प्रॉब्लम है सुनने में? रुक मत। दोस्तों एक सवाल है जो कि मेरे दिमाग में भी घूम रहा था, आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा कि एलन मस्क ने सबसे पहले टॉप एग्जीक्यूटिव्स को क्यों निकाला। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ही कोई भी बंदा कंपनी बाय करता है उसके बाद में वो कुछ टाइम देता है कि हाँ भाई इसे चलाने दो थोड़ा सा, उसके बाद में देखते हैं कि इसको चेंज करना है नहीं करना। लेकिन एलन मस्क ने यहाँ पर सबसे पहले पराग अग्रवाल को निकाल दिया ट्विटर को बाय करते ही। अब इतना ज़्यादा एंगर क्यों था, क्या था, काहे भाई क्यों पराग अग्रवाल से इतनी ज़्यादा नाराजगी थी कि लेते के साथ ही उसको निकाला, उसके बाद में कई सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी निकाल दिया, पूरी की पूरी जो टॉप टीम थी ट्विटर की उसको चेंज ही कर डाला। अभी चेंज खैर नहीं किया लेकिन हाँ निकाल डाला कि अभी तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहने दो, बाद में देखते हैं कौन सीईओ बनेगा। हालांकि एलन मस्क ही सीईओ बनने वाले हैं और बाकी की जो चीज़ें होंगी, इन्होंने एक और चीफ को हायर किया है जो कि किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाता था, अब वो ट्विटर को चलाएगा फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए इस सवाल का जो सिंपल सा जवाब है वो है भैया पराग अग्रवाल मिसलीड कर रहे थे एलन मस्क को, इसी के साथ साथ ट्विटर के इन्वेस्टर्स को। ऐसा एलन मस्क का मानना है जिसकी वजह से उनको तुरंत ही निकाल दिया गया, एक सेकंड का भी डिले नहीं किया गया, ले ली भाई तू तो निकल जा फटाफट, अब तेरी जरूरत नहीं है इस कंपनी को। यहां पर दरअसल हो क्या रहा था कि एलन मस्क ट्विटर को बाय करना चाहते थे काफी टाइम से। सबसे पहले तो वो एक ट्वीट कर बैठे कि भैया क्या मुझे ट्विटर को बाय करना चाहिए यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाए रखने के लिए, तो उनको ऐसे ट्वीट्स आने शुरू हो गए कि हाँ भाई तुम्हें बाय कर लेना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने करीबन 9.2% स्टेक ले लिए ट्विटर के, जो कि सबसे ज्यादा थे, तो ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुके थे ट्विटर के अंदर। और इनको ऐसा लगा कि अब मेरी मनमानी चल सकती है, लेकिन इनकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चली। जो भी ये चेंजेस चाहते थे ट्विटर के अंदर वो हुए नहीं, इनके 3.7 बिलियन यूएस डॉलर ऐसे के ऐसे ही चले गए कि हाँ भाई मैंने इन्वेस्ट किया, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा था इनके इस स्टेक से। अब एलन मस्क को ऐसा लगने लगा था कि जो भी मैंने पैसा डाला है उसका वो बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा जो मैं सोच रहा था होगा, तो इन्होंने अब तय किया कि मैं पूरी कंपनी ही बाय कर देता हूँ। पहले तो इन्होंने 3.7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर दिए थे सिर्फ 9.2% स्टेक के लिए ट्विटर के अंदर। अब कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए थी, करीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर, और इन्होंने करीबन 3.7 बिलियन यूएस डॉलर लगा दिए थे, तो करीबन 90% कंपनी ही इनको बाय करनी थी, तो ऑलमोस्ट इनको 30 बिलियन यूएस डॉलर देने थे। लेकिन उतने में ट्विटर सेल आउट होने को तैयार नहीं था, इन्होंने ऑफर किया 40 बिलियन, 44 बिलियन, 48 बिलियन, सभी को रिजेक्शन मिल रहा था। लेकिन फिर इन्होंने एकदम ही कुछ भी कह के 54 बिलियन ऐसे ही बोल दिया कि 54 बिलियन में मुझे ट्विटर बेच दो। और वहाँ के इन्वेस्टर जो सभी थे उन्होंने कहा भाई ये डील तो अच्छी लग रही है, इसको बेच देना चाहिए हमको। तो एलन मस्क यहाँ पर राजी नहीं हुए, एलन मस्क को अब लगने लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोल दिया। उन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी कि भैया ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारे बॉट्स अकाउंट है, फेक अकाउंट है, तो उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तुम मुझे दो, मैं एनालाइज करूँगा, उसके बाद तय करूँगा कि मुझे कितने में बाय करना है, इतने में तो डील नहीं हो सकती। जिसके बाद में पराग अग्रवाल और एलन मस्क की ट्विटर फाइट चलनी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में चल रही थी। अब देखो पराग अग्रवाल सीईओ हैं ट्विटर के, उनको तो चाहिए कि भाई मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाऊं, क्योंकि एलन मस्क उस टाइम पर कंपनी को डाउन करते चले जा रहे थे कि यहाँ पर तो फेक अकाउंट है, बॉट्स है, 25% बॉट्स ही हैं, बाकी सारे यूज़र एक्टिव नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें करते चले जा रहे थे। जिसके बाद में पराग अग्रवाल को कुछ ना कुछ तो कहना था और उन्होंने ट्विटर के ऊपर काफ़ी कुछ एलन मस्क को भी कह दिया। तो उनको नहीं मालूम था कि एलन मस्क उनके आने वाले बॉस बनने वाले हैं, और यहाँ पर उनसे हो गई एक सिंपल सी मिस्टेक कि जिस कंपनी के वो सीईओ हैं उस कंपनी को ही बचा रहे थे, मतलब किसी तरीके से उसको डिफेम होने से रोक रहे थे जो भी एलन मस्क करना चाह रहे थे। बट जितनी भी चीज़ें पराग अग्रवाल कर रहे थे ट्विटर को डिफेंड करने के लिए, वहाँ पर वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि एलन मस्क की बात बिल्कुल सही थी। जी हाँ, ट्विटर के ऊपर बॉट्स अकाउंट हैं, कई सारे फेक अकाउंट्स हैं, और उनकी जब रिपोर्ट एलन मस्क को मिली तो भैया डील कुछ इस तरीके की बन गई कि 44 बिलियन यूएस डॉलर में ये सौदा होगा। जिसके बाद में बात कोर्ट तक चली गई, कोर्ट ने जो भी सोल्यूशन निकाला उसके बाद में एंड एलन मस्क ने 44 बिलियन यूएस डॉलर में ये कंपनी खरीद डाली।
सो यहाँ पर एलॉन मस्क ने 54 बिलियन US डॉलर की जो बात कही थी उसको 44 बिलियन US डॉलर में कर कुरा के किसी तरीके से ट्विटर को बाय कर लिया। और जितने भी लोग मिसलीड कर रहे थे एलॉन मस्क को और बहसबाजी कर रहे थे ट्विटर के ऊपर या फिर किसी इंटरव्यू के अंदर अलग से ही कुछ ना कुछ बोल रहे थे, उन सभी को एलॉन मस्क ने निकाल दिया। हालांकि अभी एम्प्लॉय भी घबराए हुए हैं कि अब हमारी बारी है, तो वो तो देखा जाएगा कि कौन चेंज होगा कौन चेंज नहीं होगा। लेकिन पराग अग्रवाल को निकालने का रीज़न सिंपल सा यही था कि वो मिसलीड कर रहे थे बॉट्स और फेक अकाउंट्स के बारे में और गलत सलत रिपोर्ट दे रहे थे ट्विटर के ऊपर भी, इनसे बहसबाजी कर रहे थे और जितनी भी चीज़ें उन्होंने करी उसको डिफेंड करने के लिए वो सारी विफल रही और इन द एंड एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया। तो यहाँ पर पराग अग्रवाल की गलती थी या नहीं थी वो आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी को किसी तरीके से डिफॉर्म होने से वो बचा रहे थे, वो भी बात सही है। अभी कई सारी नेगेटिव चीज़ें या फिर गलत चीज़ें अपनी कंपनी की छुपाई जाती है, वरना भैया थू थू हो जाएगी सारी पब्लिकली। और वो हुई भी थी किसी तरीके से, क्योंकि एक कंपनी जो कि कह रही थी हम किसी कीमत पे नहीं बिकेंगे, वो 54 बिलियन US डॉलर पे आके बिकने को राजी हो गई। अब यहाँ पर चलो एलॉन मस्क को अगर नहीं भी मिलती ये कंपनी तो भी उन्होंने एक तरीके से इस कंपनी की रेपुटेशन डाउन ये कह के कर दी थी कि यहाँ पर तो फेक अकाउंट्स है बॉट अकाउंट है और मैं तो ये बाय नहीं कर रहा, मैं इतने में नहीं बाय करूँगा, मैं 44 में बाय कर लूँगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने से क्या हुआ कि विन विन सिचुएशन एलॉन मस्क के लिए ही थी। हाँ, एक सिचुएशन में एलॉन मस्क 1 बिलियन US डॉलर हार जाते जब वो ट्विटर को बाय नहीं करते, क्योंकि उनको कोर्ट तक ले लिया गया था। इसमें भी पराग अग्रवाल का ही हाथ था, तो सिंपली उनका गुस्सा था कि पराग अग्रवाल को निकालना है लेते ही, और उन्होंने ऐसा ही किया और बाकी के भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाल डाला।